बढ़ते हैं अगली खबर पर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव खत्म होने के बाद आज फिर गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पहले सोमनाथ मंदिर जाकर दर्शन किए। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल के मंदिर दौरों पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे, वहीं अब ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद उवैसी ने भी उनके मंदिर दौरों की आलोचना की है। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने 27 छोटे बड़े मंदिरों में दर्शन किए और मत्था टेका। यहां तक कि राहुल गांधी ने जब गुजरात नवसर्जन यात्रा का आरंभ किया तो वो सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर गए और चुनाव प्रचार का आगाज किया। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी इस बदले रूप को कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व भी कहा गया। बीजेपी ने उनके मंदिर दौरों को राजनीतिक स्टंट करार दिया, तो वहीं ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात में मंदिर मंदिर गए और उन्होंने मुसलमानों की अनदेखी की। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि राहुल किसी मस्जिद या दरगाह क्यों नहीं गए, यहां तक कि किसी मुस्लिम नेता के साथ कोई तस्वीर तक सामने नहीं आई। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जो इंतखाबी मुहिम चलाई गई वो तमाम हिंदुस्तान के आवाम को सोचना पड़ेगा। ये मेरा मसला नहीं है तो सबका मसला है, सबको सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस के कायदीन बीजेपी के कायदीन इलेक्शन की मुहिम नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। कोई 20 मंदिर को गए तो उसने कहा मैं 27 को जाऊंगा, कोई दौड़ कर गया तो बोला कि मैं गाड़ी में बैठ कर जाऊंगा, कोई गाड़ियों में गया तो उसने कहा कि मैं और गाड़ियों में जाऊंगा, तो फिर आखिर वजीर आजम ने कहा कि मैं सबको पीछे छोड़ देता हूं, मैं प्लेन से जाऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। राहुल ने गुजरात जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी का नाम किसी फिल्म कैरेक्टर के नाम पर रखना हो तो उसका नाम होगा लाई हार्ट। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी बहुत झूठ बोलती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी शुक्रवार को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद जोश में दिखे थे। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा था कि वो चुप क्यों हैं। राहुल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के बेटे जय शाह के मामले में अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनी वन न्यूज़।